हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है एक कॉटन कैंडी मेकिंग मशीन। एक बच्चा जो है कॉटन कैंडी हमेशा कभी ना कभी तो खाए होगा, लेकिन यार हमारा काम है कुछ क्रेजी करना और हम वही क्रेजी आज भी करने वाले इस मशीन के साथ में आएंगे। नॉर्मल कॉटन कैंडी बनती है चीनी से, लेकिन हम कॉटन कैंडी बनाने की कोशिश करेंगे इससे, यानी कि कोका कोला से। जी हाँ दोस्तों, क्या कोका कोला की कॉटन कैंडी बन सकती है? यही सवाल मेरे दिमाग में भी था, तो आज इससे कॉटन कैंडी बनाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट ऐसा है कि इसके अंदर भी शुगर होता है, और उस शुगर का यूज़ करके क्या कॉटन कैंडी बन सकती है, अगर बन पाएगी तो कैसे बनेगी और उसका टेस्ट कैसा होगा। वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। फटाफट से शुरू करते हैं। नाम है ना, तो यहाँ पर हमारी भट्टी को शुरू करते हैं और इसमें डालते हैं कोका कोला। एक बार में शुरू हो गया, नहीं हो गई, और ओहो ठीक है, इसमें डाल रहे हैं। और देखो फास्ट निकालने का तरीका, ये है फास्टेस्ट वे टू एम्प्टी ए कोका कोला बॉटल। ये गई दूसरी बॉटल, और थोड़ी सी पी भी सकते हैं। गरम है यार, बहुत ज्यादा करंट मार रही है। तो गाइज यहां पर फाइनली हमको कोका कोला से ये चीज मिली है, और इस थाली के अंदर हमने थोड़ा सा तेल भी लगा लिया ताकि ये नीचे ना चिपके, ही होती जा रही है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और देखो दो बोतल बड़ी वाली में कितना सारा ये बन गया हमारा, ये पलटा जो है जो चमचा यही मुड़ गया यार। ये जो है सच्ची में बड़ी ही अजीब सी चीज़ है, एकदम जैसे कॉफ़ी होती है या चॉकलेट होती है ना, कुछ उस तरीके की चीज़ है। तो अब हम लोग एकदम तैयार है कॉटन कैंडी बनाने के लिए, तो आ जाते हैं सीधा कॉटन कैंडी मशीन के ऊपर। मशीन को करते हैं चालू और इसमें डालते हैं सीधा ये, और फिर देखते हैं कि क्या इससे कॉटन कैंडी बनती है या नहीं बनती। तो भाई यहाँ पर मशीन को करते हैं चालू, आपको इसके अंदर डालनी है हमारी ये कोका कोला वाली चाश। तो भाई छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं, इनको डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये क्या करेगी पहले तो, अब यार ये कैसे टूट रही है, पहले तो हमारी इस कोका कोला को पिघलाएगी और उसके बाद में इसकी कॉटन कैंडी बनाएगी है। और यहाँ पर अब यार ये तो उड़ रही है, बहुत तेज उड़ रही है। ओफो गाइस, कॉटन कैंडी बन रही है यहाँ पे बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके की। एक बार पास से दिखाओ जरा क्या बन रहा है। ओ तेरी भाई साहब, बनी ओए बन रही है, ऐसे ही बनने देते हैं, कुछ नहीं करूंगा मैं। गाइस देखो आप, इसमें कोका कोला डाली है और वो जो है यहाँ पर बना रहा है कॉटन कैंडी। अरे वाह, लेकिन यार ये कुछ अजीब तरीके की कॉटन कैंडी है। यहाँ पर देखो बन तो डेफिनेटली रही है, अभी भी निकल रही है ना, आ रही है और आ रही है यार, देखो 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 ये आ गई, गर्म है भाई साहब। तो अभी आपको दिखाते हैं, अभी भी बन रही है यार, एक बार बन जाने देते हैं जितना बन पाती है। ये देखो ये देखो, बड़ी चिपचिपी कॉटन कैंडी है। काम करते हैं इसको, करते हैं बंद, और भाई साहब यहाँ पर कोका कोला की कॉटन कैंडी तो बन गई, लेकिन ये देखो ये देखो ये किस तरीके से, उस टाइम ये जो है रेशे थे, फाइबर्स थे, लेकिन अब ये जो है चिपक गए हैं, और ढंग से चिपक गए हैं। ओहो, तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन अभी भी हम तो करेंगे इसको टेस्ट। ले मोहित, हम दोनों ने बनाई है मेहनत करके, ले आ जा टेस्ट कर लो गाइज यहाँ पर मैंने निकाल लिया कॉटन कैंडी। हुआ क्या है, क्या हुआ कड़ी है तो। फेंक ही दिले और ले ले, कड़ी है क्या, कड़ी है ये। कड़ी है कचोरी कड़ी, कड़वा बोलना तो क्या हो गया यार, मैंने तो टेस्ट भी नहीं करी अभी। गाइज यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा है कि जो कोका कोला से बनने वाली जो चीनी है, या जो वो ब्लैक ब्लैक चीज़ बनी थी ना, हमने पहले भी बनाई उसको, कितना भी उसको जो है आप सुखा लो, कितना भी उसका पानी उड़ा लो, वो ऐसे चिपचिपी ही रहती है। तो उसी की वजह से यहाँ पर वो चीनी वाले एकदम ठोस फाइबर नहीं बन पाए, वो चीज़ आपस में कलेक्ट हो जाती। ये है तो जाला जाला ही पूरा,
लेकिन ये आपस में इतना जल्दी चिपक गया कि यार हम जब तक हमने बंद किया, देखो अब तो ये और ज्यादा बैठ गया। चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ इसको जरा कि हमें इतना गलत टेस्ट है। पानी दे दो भाई साहब। अबे यार गाइस इसका टेस्ट इतना गंदा, मुझे बहुत बेकार लग रहा है यार। यार ये क्या है गाइस, ये जो चीनी होती है ना, चीनी के साथ कुछ ना कुछ तो इन्होंने और घपला कर रखा है। जो कोका कोला का एक सीक्रेट फ्लेवर है, सीक्रेट रेसिपी है, तो वो होती है इसके अंदर, जो किसी को नहीं पता इसमें क्या क्या मिलता है। और चीनी के साथ में मिलता है वो, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ है कि उसकी वजह से जो फाइबर है वो बहुत जल्दी आपस में चिपका देते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन यार हमने बना दी कॉटन कैंडी आपके सामने, कैसे बनाई वो भी आपको पता है, टेस्ट करके भी देखी कैसी लगी, कैसी लगी बकवास। भाई वास्तव में यार हद से ज़्यादा जो है बकवास चीज थी कॉटन कैंडी के मामले में। कोका कोला के लिए नहीं कह रहा, पहले ही जो है बहुत गड़बड़ हो रखी है ठीक है, उनकी जो कॉटन कैंडी हमने उससे बनाई उसमें जो है, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऐसे बनाने के लिए उन्होंने भी नहीं दी थी, उन्होंने तो पीने के लिए दी थी, पर हमने जो है इसकी क्या बना डाला। तो भाई ऐसा ट्राई मत करना, कोई मतलब नहीं है, बहुत बेकार बनती है, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर से आया होगा। और ख़ास बात यह है कि कोका कोला की कॉटन कैंडी बन गई, अब ये तो कैंडी नहीं रही है यार, अभी ये तो जो है कोका कोला क्या रह गई। कुछ अजीब ही ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। चलो जो भी है, वीडियो में मज़ा आया, कुछ यूनिक लगा कि कोका कोला से कॉटन कैंडी बनाने की कोशिश करी और बना भी डाली। तो उसके लिए लाइक जरूर से कर देना हमारी मेहनत के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।